टेस्ट विद रीना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और गुड़ की लड्डू। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम तिल। इसे कढ़ाई में डालकर 3-4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। 200 ग्राम तिल के लिए 200 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे हम। गुड़ और तिल की क्वांटिटी सेम रखेंगे। इसे लगातार चलाते रहे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। तिल हमारे शरीर को गर्मी देती है और साथ ही साथ एनर्जी भी देती है। ये रोस्ट हो चुका है, इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। उसी सेम कढ़ाई में एक चम्मच घी डालेंगे, फिर गुड़ डाल देंगे। 200 ग्राम तिल के लिए 200 ग्राम गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ को ग्रेट कर ले, इससे गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। 3-4 चम्मच पानी डालेंगे। इसे मिलाते हुए 3-4 मिनट तक पकाएंगे। गुड़ को ज़्यादा ना पकाए, अगर ज़्यादा पक जाए तो लड्डू हार्ड बनेंगे, अगर गुड़ कम पका तो सॉफ्ट बनेंगे। देखिए अच्छी तरह से बबल्स आने लगी है, इसे चेक कर लेंगे। अगर पानी में सेट हो गया और इस तरह से तार आने लगे तो ये परफेक्ट है। गैस को करेंगे बंद और इसमें भुने हुए तिल को डाल देंगे। आप चाहे तो भुने हुए बादाम भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लें। ये सारा प्रोसेस हमें फास्ट करना है, नहीं तो गुड़ जम जाएगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ये मिक्सचर बहुत गर्म होता है, हाथों में पानी लगाते हुए हिला हिला कर लड्डू बनाएं। अगर पॉसिबल है तो 2-3 मेंबर मिलकर बनाइए, इससे मिक्सचर ठंडा होने से पहले लड्डू बन जाएगा। अगर मिक्सचर ठंडा हो जाए, इसे फिर थोड़ा गर्म कर ले और फिर लड्डू बनाना स्टार्ट करें। तिल के लड्डू के मज़े ले। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।